Hello students how are you i hope you all are fine i am mrs nehal mure and today i am going to teach you lesson number 3 from your knowledge tree book and your lesson's name stay safe stay protected stay safe stay protected so let's begin there are लॉट ऑफ शार्प एंड अनसेफ थिंगस अराउंडस सचाज फायर नाइव सीजर्स वायर्स एक्सेट्रा मतलब कि हमारे आजू बाजू में हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे शार्प और अनसेफ जिससे हमें चोट लग सकती है ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है तो उससे हमें दूर रहना है ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं फर्स्ट वन यहाँ पे पिक्चर्स दिखाए फायर यानी कि आग नाइव्स मतलब कि छुरी चाकू उसे नाइव्स कहते हैं राइट नाइफ और नाइव्स अगेन देर अ वायर्स देर आर वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स को भी हमें छूना नहीं है एंड नेक्स्ट वन सीजर्स राइट तो इससे हमें दूर रहना है इसे छूना नहीं है नहीं तो हमें क्या हो सकता है हमें चोट लग सकती है राइट right? ओके okay? अभी देखेंगे आगे सो so, आपके बुक में ये पिक्चर दिया गया है फर्स्ट पेज पे ही पिक्चर दिया गया है लेसन नंबर थ्री के तो उन्होंने क्या पूछा है सर्कल द थिंग्स दैट यू शुड नॉट टच पिक्चर में दिए गए चीज़ों में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको चोट लग सकती है जिसको आपको छूना नहीं है उसे क्या करना है आपको सर्कल करना है द थिंग्स विच कैन हार्म यू यू हैव टू सर्कल देम सो द फर्स्ट पिक्चर गिवन ओवर यर इज़ अ कटअप इसे इस कटर में क्या होता है एक शार्प ब्लेड रहता है तो उससे हमें कट हो सकता है बराबर है इसे छुना है हमें नहीं छुना है सो आई एम सर्कलिंग इट अगेन द नेक्स्ट पिक्चर सेकेंड पिक्चर है वो पिन का है ये पिन भी हमें चुप सकती है इस इससे भी हमें कोई काम नहीं रहता इसीलिए हमें इसे नहीं चुना है राइट नेक्स्ट वन इज़ नाइफ इसे तो बहुत सारे शार्प रहती है नाइफ़ बराबर है इसका ब्लेड तो बहुत शार्प रहता है तो हमें इसे भी नहीं चुना है इसलिए इसे भी सर्कल किया नंबर फोर पिक्चर है सीजर इससे भी हमें कट हो सकता है इसलिए इसे भी सर्कल किया नंबर फाइव है बुक बुक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई हानि नहीं है इसी मैंने इसको सर्कल नहीं किया अगेन कम सब पेंसिल पेंसिल से हमें कुछ नहीं हो सकता बराबर है हम सेफली पेंसिल हैंडल कर सकते हैं इसीलिए इसको भी सर्कल नहीं किया एंड द नेक्स्ट वन इज बॉल बॉल से भी हम लोग खेल सकते हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें कट नहीं आ सकता इसीलिए इसको भी सर्कल नहीं किया राइट एंड द लास्ट वन इज़ अ गैस स्टोव इसे अभी सर्कल किया है बिकॉज इट कंसिस्ट अ फायर इसमें फायर रहती है इसीलिए ये अनसेफ है ये डेंजरस है हमारे लिए इसके वास्ते इसको सर्कल किया फ़ाइन डिड यू अंडरस्टैंड इट ऐसा ही सर्कल आपको भी आपके बुक में करना है फाइन अभी आगे देखते हैं जस्ट लाइक वी नीड टू स्टे सेफ एट होम वी नीड टू स्टे सेफ आउटसाइड टू अभी ये घर का हुआ घर में हम लोग सेफ है मगर अब अब हम जो बाहर जाते हैं तब भी हमें सेफ रहना बहुत ज़रूरी है वो कैसे रह सकते हैं हम लोग सेफ़ तो चलो देखते हैं लेट्स हैव लुक एट सम सेफ़्टी मेजर्स टू बी टेकन आउटसाइड अभी बाहर जाते वक्त हम कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर सकते हैं हमारे सेफ्टी के लिए तो उसका स्टडी करेंगे फर्स्ट वन ऑलवेज लुक टू योर लेफ्ट एंड राइट वन यू क्रॉस द रोड ये भी पिक्चर्स मैंने आपके बुक में से ही लिए हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके बुक में से ही है ओके ऑलवेज लुक एट टू लेफ्ट एंड राइट व्हेन यू क्रॉस द रोड अभी ऑप्शंस दिए हैं लेफ्ट राइट अप डाउन तो रोड क्रॉस करते वक्त हमें कहाँ देखना है लेफ्ट राइट right देखना है या अपर डाउन देखना है यस यू हैव टू लुक लेफ्ट और राइट right. बराबर है ना सो फर्स्ट आंसर इज लेफ्ट राइट नेक्स्ट वन ऑलवेज वॉक ऑन ऑन द फुटपाथ वैन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड जब भी हम रोड पर चल रहे होते तो हमें रोड के अंदर से नहीं चलना है फुटपाथ में से चलना है बराबर है सो वेर यूल वॉक यूल ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ वैन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड नेक्स्ट वन डोंट क्रॉस इन द फ्रंट ऑफ अ व्हीकल अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसके सामने से हमें रास्ता क्रॉस नहीं करना है वो जानी तक रुकना है और उसके बाद में रास्ता क्रॉस करना है बराबर है ओके सो डोंट क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल ऑप्शन दिए फ्रंट और बिहाइंड तो हमें कैसे क्रॉस नहीं करना है रास्ता फ्रंट में से गाड़ी के आगे से क्रॉस नहीं करना है ओके नेक्स्ट वन यूज़ अ ज़ैब्रा क्रॉसिंग टू करॉस द रोड हमेशा क्या करना है रास्ता क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना है जेबरा क्रॉसिंग कर... का इस्तेमाल करना है सो यूज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड ओके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए लायन और ज़ेब्रा। लायन क्रॉसिंग तो नहीं होता ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही होता है इसीलिए लिए -E जेड ई बी आर ए जेब्रा नेक्स्ट never accept anything from strangers very important a stranger matlab जो हमारी जान पहचान का नहीं रहता है ओके okay, रिलेटिव्स मतलब कौन हमारे जान पहचान के लोग उन्हें हम रिलेटिव्स कहते हैं बराबर है तो कोई भी चीज़ यानी कि अगर कोई अननोन पर्सन आपको चॉकलेट दे रहा है या कोई गिफ्ट दे रहा है तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है उसको बराबर है अंडरस्टूड डियर चिल्ड्रन सो नेवर एवर एक्सेप्ट एनी थिंग फ्राम दी स्ट्रेंजर्स अगर आप उनको जानते नहीं हो तो उनसे कोई भी चीज़ लेनी नहीं है आपके मम्मी पापा के इंस्ट्रक्शन के बजाय आपको किससे भी कौन सी भी चीज नहीं लेनी है सो ऑलवेज दिस कीप दिस थिंग इन योर माइंड ओके लुक एट द आई होल आ, आपका घर के घंटी जब बजती है तो सीधे से आप दरवाज़ा खोल देते हो इस इज़ नॉट गुड पहले हमें आई होल में से चेक करना चाहिए कि कौन आया है बाहर मम्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए और बाद में ही क्या करना है आपको दरवाजा खोलना है ओके लुक एट द आई होल बिफोर ओपनिंग द डोर ओके नेक्स्ट नेवर प्ले विद द इलेक्ट्रिक वायर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेवर एवर टे Touch electric wires. You should not play with the electric wires. These are all safety measures we should follow when we are at the home or when we are outside the home. So, I hope you have understood it, dear children, and you have enjoyed watching our video. Thank you, dear children. Thank you very much.